ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधा सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 29 मार्च, आज के दिन की रिकॉर्डिंग, जहां परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमें दिल से तपस्या करनी है और हमें सबसे कंटेंटमेंट मतलब कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है कि हमने कितनी आत्मा को संतुष्ट किया। आज दुनिया में अगर हम किसी को संतुष्ट करने जाते हैं तो हम उसको गिफ्ट देते हैं, उसको खाने पीने के लिए कहीं ले जाते हैं, उसको कपड़े खरीद देते हैं, उसको हम कुछ दान पुण्य कर देते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये कंटेंटमेंट मतलब कि ये संतुष्ट करने के तरीके अलग हैं। देखें परमात्मा के अनुसार संतुष्ट करने के तरीके क्या हैं। बाबा कहते हैं, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। सर्व से दुआएं अगर कमानी है तो उनको हमें संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, और वो भी क्या है, रूहानी तरीके से, जिस्मानी तरीके से नहीं। जिस्मानी तरीका हो गया गिफ्ट खरीद दिए, कहीं घुमाने ले गए, कहीं खिलाने पिलाने लगे, तो आपने थोड़े समय के लिए संतुष्ट कर दिया। लेकिन उस आत्मा के अंदर अगर किसी और को देख करके अगर ईर्ष्या जागृत हो गई कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो असंतुष्ट होगी ना, तो आपने कैसे संतुष्ट किया उसको। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं कि मैंने तपस्या करी, मैंने क्रोध हटा दिया अपने अंदर, मैंने अंदर अहंकार हटा लिया अपने अंदर, बहुत मैंने अपने अंदर के गुरूर को खत्म कर दिया है। लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो। दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो। निमित्त भाव मतलब कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना कुछ चाहिए, औरों को मिले उल्टा, मुझे नहीं चाहिए, औरों को आगे रखना है, औरों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि औरों को प्यार होता है। अगर किसी का अपने माँ बाप से प्यार है तो वो चाहेगा कि माँ बाप उसके सुखी रहें, शांत रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। माँ बाप को अगर बच्चों से बहुत प्यार है तो वो चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। तो हमारे लिए तो सारी दुनिया ही परमात्मा के हम सारे बच्चे हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई आगे बढ़े हमसे। तो अगर ये रखा हमने तो सब लोग संतुष्ट हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो दुनिया हमसे संतुष्ट कभी नहीं हो सकती है। पर परमात्मा कहते हैं दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। शुभ भाव मतलब वो आगे बढ़े। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं, नहीं तो क्या मिलती, बददुआएं मिलती हैं। और लोग आपको नीचे गिराएंगे, आप उनको नीचे गिराने की कोशिश करोगे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई भी कार्य में हो। फिर परमात्मा कहते हैं कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। 95% जिनसे आप मिलते हो लोगों से, वो आपसे संतुष्ट हों। सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर वन है, ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। सबसे दुआओं का सर्टिफिकेट, लास्ट में कहा जाता है कि दुआएं काम करती हैं, दुआ ही दवा होती है। जब डॉक्टर की दवा काम करनी बंद कर देती है तो औरों की दुआएं, और उससे हमने जो दुआएं कमाई वही काम करती हैं। ये दुआएं कमानी कैसे हैं, ये सर्टिफिकेट पाने कैसे हैं, संतुष्ट करना कैसे, इसके लिए आपको 7 दिन का ईश्वरीय विश्व विद्यालय का कोर्स करना जरूरी है। तो ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के ये कोर्स करें और आप भी इस ज्ञान को अच्छे से समझें। इसके साथ ओम शांति।